अच्छा जनाब, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग क्या फनीली इंटरेस्टिंग बात है। दोनों के बालों की बात है, पहले हाजरा के बालों की बात। कर्ली बाल थे इसी फिल्म मिली थी। कौन सी वाली? पिंकी मेम सर। हाँ, जो पहली मान जाना थी, उन्होंने कहा वो आपके बाल बहुत मजे के हैं, आप कहली कहली है, बड़े बाल हैं, आप फिल्म कर लें। मैंने कहा मेरी शक्ल भी है, मैं तो एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। लोगों ने, किसी ने बोला एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप लग बड़ी प्यारी है, ये है, आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आप फिल्म कर लें। बड़ी बात है यार, बड़ी मशहूर की शक्ल है हमारी हाजरा। सही बात है, नाम भी हाजरा हैवी, हाजरा मसरूर करने का नॉवेल, हाजरा यमीन। सही है। अच्छा, आपके साथ एक मिनट, आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा, एक तो हमें सबको पता है कि अभी आपके साथ ना एक प्रॉब्लम हुआ था बालों में, वो सॉर्ट आउट हो गया। नहीं, धूप किनारे वाला सब लोगों को भूल गया, वो ये था कि क्या ट्रीटमेंट था, इसमें बाल ही चले गए। नहीं देखिए, ऐसा है कि जब मैं बचा था तो पहली दफा मैंने किसी गंजे आदमी को देखा तो मैंने सोचा ये आदमी जिंदा क्यों है, इसको तो शर्म से मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पांच बंदे हुए गंजा गंजा कहते हुए जा रहे थे, तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी। मैंने कहा मैं गंजा यार, आपने कहा मैं गंजा नहीं होऊंगा यार, मैंने कभी दिल में सोचा तो फिर। लेकिन जूं जूं मैं बड़ा होता क्या बात थोड़े कम होते, तो नतीजा ये हुआ कि मैं खौफ खाने लगा और फिर एक्टर बन गया मैं बगैर वजह के। वो भी एक पूरा किस्सा कहानी, क्योंकि मैं एक बैक बेंचर था हमेशा। अच्छा, टीचर्स को मैं, टीचर्स मेरी शक्ल ना देखें मेरी सारी जिंदगी की कोशिश रही। अच्छा, और कई टीचर्स तो कहते थे तुम कौन हो क्योंकि मैं छुप जाता था। पढ़ाई का मुझे ज्यादा शौक वैसे नहीं था, मतलब मुझे किताबों का जिनका शौक था वो मैं करता। तो जब ये एक वक्त आया कि मुझे लगा कि ये गंजा हो रहा है, उस जमाने में ट्रीटमेंट सही है, मतलब बाल जा रहे हैं और हीरो जो है वो डर भी रहा। सुल्तान राई की जो टूपेज या विग कहलाती थी उसको देख के मैं कहता इससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर इन्होंने मुझे ये पहनाया, और वो पहनाने की कोशिश की खुदा की कसम। नहीं यार, हाशा लिल्ला, मैंने फिल्म ही नहीं की इस चक्कर में। गाजी साई साहब आए हाय, मैं तो ऐसी को लेके आया तुम पहन लो। मैं ना जी, मैं नहीं पहन। एक साहब आए यहाँ रिहान मियाँ, वो उन्होंने कहा जी अब नई टूपे आई, तो मैंने सबसे पहले लगाने की कोशिश की, बिकॉज मैं खुद भी टायर्ड हो जाता था ना अपनी शक्ल देख के एक ही जैसी यार। हर दफा मतलब एक कोई अब जैसे आप लोग हैं कभी ये बाल कर लिए कभी वो कर। मैं कह रहा मेरी जो मोहब्बत करने वाली खवातीन और हजरात हैं उनको एक ही शक्ल दिखाई देती है, तो उस चक्कर में मैंने वो विग लगाई। तो वो उसने जो 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 सरेश होती है नहीं कि वो जो जो गम होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगले दिन मैंने जाना था एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, वहां जरा पढ़े लिखे लोग आते हैं उनको ये तो मैं उसको उतारने की कोशिश कर रहा था तो उतरी नहीं। तो उसके बाद शकीला को मैंने दो तीन दफा तो कहा कि जरा टर्पेंटाइन ऑयल ले आओ ये वो। उसके बाद एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैंने उसको जब खींचा तो मेरा पूरा जो साइड की पूरी चीज थी वो सब उड़ गई। खुदा की कसम, वो सारी खाल भी साथ चली गई और खाल के साथ जो दो चार बाल उधर लगे हुए होंगे वो भी गायब हो गए। तो ये जो डॉक्टर था ये मेरे पीछे 11 साल पड़ा रहा, उसने कहा आप एक दिन आए आपको मैं बाल लगा लूंगा, हमारा काम भी हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। तो 11 साल बाद एक दिन, हालांकि उस समय मेरी जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही थी असल, यकीन करो ऐसे बस चले गया। अब जब मेरा बुरा हाल हुआ ना तो एक औरत ने जाते हुए साजिद साहब लगता है तुम्हारे गुनावा दे सिले गए, इस किस्म के भी लोग हैं। अच्छा, यहाँ लोग देखते हैं कि जब आप देखें यहाँ तबाह हो ना तो और मजाक उड़ाते हैं, गुनाह का गुनाह का देती। तो ये अब मैं एक अजीब, एक तो मुझे नफरत थी इस चीज से कि गंजा हुआ, मगर मैं हुआ फिर गंजा और मैं खुद गंजा हूँ जाहिर है। पहले तो मैंने बड़ा गंजों का ख्याल रखा, सच बात है। यानी कि एक साहब ने मेरे पीछे आए, वो उन्होंने मोटरसाइकिल लगाई मेरे पीछे खुदा की कसम, और उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, उसने कहा सर अकीदत है मेरी तुहाडे नाल। मैं क्यों? कहते सारा आसीत तुहाडे क्लब दे, वो भी गंजा था। कहने लगा सर आप गंजों का क्लब बनाए। तो ये जो मैंने उसके बाल लगाए हैं ये मुझे लगता है बद्दुआ लग गई गंजों की। अब जो भी मुझे अब ये नहीं होता, अब मैं आपको उठ के एक चीज बताना चाहूंगा, आप खड़े हो जरा। अब जो लोग मुझे मिलते हैं ना, पहले तो बहुत अच्छे तरह से मिलते थे और साजिद साहब बहुत आपका ड्रामा देखा, अब ऐसे नहीं मिलते, अब वो ऐसे आते साजिद साहब आप ठीक हैं? ओ ठीक हो गया, अल्लाह का फजल है।
इसलिए बदामी है जब मैं इसे बात शुरू की ना तो मैंने कहा बात सुना मैं रख के तू ना बोलना चले हमारी वहाँ पे कौन जाएगा पहले आप दोनों में से कौन जाना चाहता है सर प्लीज लेडीज फर्स्ट ये देखें कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर इतना तैयार व्यार हुई कपड़े वड़े पहन के नजर भी आए यार ये देखें ना कितने अच्छे लगे पांच नंबर से शुरू पांच नंबर ओके ओ बोलना नहीं है हाँ 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 ये इज इट अ महावरा इज अ सॉन्ग व्हाट इज इट टेल हिम इट्स अ महावरा ओके फाइव वर्ड्स ठीक है फर्स्ट वर्ड स्विमिंग डाइविंग गोताखोरी सो मर गया बेबी किधर लेके जा रही है अच्छा ये देखें हम तो जा रहे हैं कब्र में जाने वाले ही इज गोइंग डाउन व्हाट्स हैपनिंग टू हिम डूब जाना हां ये लफ्ज है डूब मर के डूब जाना दैट्स द फर्स्ट वर्ड शर्म से डूब जाना अच्छा पहला लफ्ज है डूबते हां डूबते हुए तिनको के साथ ये अब आप नंबर दो ले आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में नंबर दो अच्छा ओ अरे ये तो एक गाना है एक करोड़ गानों में से एक को बताने वाले ये बड़े अजीब है ठीक है ये तो एक गाना है ये एक गाना है और उन्हीं एक्टर का है बहुत मशहूर गाना जी अकेले नहीं 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 थोड़ा अपबीट है अच्छा That was very quick, यार अच्छा जब ये गाना पहली दफा आया It's one of my favorite songs. आपका फेवरेट होगा मुझे तो हंसी आई इस गाने पे मैंने ये क्या कोको कोरीना क्या बकवास है हर ढोलकी का मेरे ख्यालों पे छाई है एक सुरीली थी मैंने भाई ली थी उस जमाने में गजलों का दौर था ना तो मेहदी हसन गायकर वो था मेहदी हसन के बहुत मशहूर गाने देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा उस पे ही आ गए हमारे अंकल रुश्दी साहब मेरे ख्यालों पे छाई है सिर में वाली सी नाजुक सी शर्मीली मासूम सी वो मेरे है वो हुजूर कहीं अता पता मालूम नहीं मुझे आपको अता पता मालूम नहीं है किस किस्म का शेर है भाई क्या आदमी है कौन सी ऐसी महबूबा है जिसका आपको पता ही नहीं पता गधे के बच्चे अच्छा प्लीज अगला नंबर बताइए दस अच्छा ये मुहावरा है पहला जानवर है पहला कुत्ता? पहला वर्ड नहीं 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 परिंदा है जानवर है परिंदा है क्या कौवा कौवा चला हस्की चला यार तुम्हें तो बोल के बता दिया जरा कौवे की एक्टिंग तो करती है कौवे की कोई एक्टिंग मैं कौवों को बहुत पहचानता हूँ आपने इनको जरूरत नहीं पड़ी खुद ही बता दिया मैंने सारा के सारा आए वापस पाकिस्तान में तो कौवे सबसे कमाल काम है जहाँ थोड़ा सा माल देखा कौवा आया किटे 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 इमरान खान के इर्द गिर्द भी काफी कौवे दिखाई देंगे अब आप जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम हमें कुछ पता ना चले as good as you were okay choose the number hazard number 3 ये वो एक एक जानवर के ऊपर है कहावत और ऐसी चीज है जो अक्सर मैं अपने आप को महसूस करता हूँ No way. नाच ना जाने आंगन नहीं no, you think so? नहीं नाच ना जाने तो नाच तो बिल्कुल ना जाने अच्छा आप एक्टिंग तो करें इसके ऊपर यार हाँ ना एक्ट बोल के नहीं बताना है ये दो वो जो कपड़े दो धोबी हाँ पहला जुमला ये घर का ना ना घर का ना घाट का घर का धोबी ना घर का घर का धोबी ना कर देना सारे धोबी मारेंगे मुझे खुदा का खौफ करो मेरे प्यारे धोबी आई लव यू मैं तो खुदा की कसम हाजरा घर का कुत्ता हाँ ना घर का ना धोबी का कुत्ता सॉरी आई एम सॉरी ना घर का ना घाट का हालांकि झूठ है घर का ही होता है वो घाट घाट में कुत्ते नहीं रहते आपके पास तो कुत्ते हैं कि नहीं है मेरे पास हैं वो आपके साथ ही रहना पसंद करते हैं अच्छा जी आप और दूसरा अच्छा नंबर 7 यार हाजरा तुम मतलब इंटेलिजेंट हो मैं देख रहा हूँ अच्छा यार ये एक गाना है जो अली अजमत ने गाया था ओ हाँ अब सिर्फ और ये उसके बाद से इतना चला है कि मैं बता नहीं सकता चीन के करीब करीब लव्स है वहां से शुरू होता है उसका गाना जो है किसके करीब चीन
चाइना के करीब एक पल नहीं। हाय यार एक पल इंटेलिजेंट नहीं हो रही यार एक लफ्ज के ऊपर ये सारा। मुझे लग रहा है कि मेरिल स्ट्रीप का हमारे पास जवाब आ गया। जवाब आ गया। नंबर 9 वो बड़ा कि वो बड़ा ये वाली है यार एक्टिंग तो हो। ये तो मुझे समझ आ गया। ये तो मुझे बता दो अकल बड़ी आए और आज अच्छा जब मुझे पहली दफा किसी ने कहा बहुत छोटा था मैं तो मैंने कहा भैंस पागल का बच्चा है भैंस है और के और आज समझ आया कि एक्चुअली भैंस ही थी। मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ यार। दोस्त आशिक कुमार से बात करेंगे तो कहेंगे भैंस। लेकिन यार आप दोनों ने ना लफ्जों को बता बता के गैस कर लिया। एनी हाउ इट वाज फन।